दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 5 और 8 का रिजल्ट यहाँ पे हम लिंक नहीं खुल रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कैसे चेक करें अपना रिजल्ट कक्षा 5 और 8 का राजस्थान बोर्ड, आइए आपको बताते हैं। लिंक वगैरह ओपनिंग प्रॉब्लम हो रही है तो इसे कैसे सॉल्व करें आइए देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में आना है, सर्च बार में लिखना है EXAM एग्ज़ाम, उसके बाद SARKARI सरकारी, उसके बाद रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद INFO, यह लिख के आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे पहले ही नंबर पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लोडिंग करेगा और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर स्लाइड करना है, ठीक है। जैसे स्लाइड करेंगे आप तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको एक बार और बता दें कौन सी साइट है, देख सकते हैं, आपको गूगल पे सर्च करना है यही लिख के जो मैं लिखा हूँ, एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट इन्फो, ऐसे लिख के सर्च करिएगा, ठीक है। तो पहली वाले लिंक पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐड वगैरह है तो कट कर देना है और भी नीचे आना है, और इस साइड बाएं तरफ आप देख रहे हैं कक्षा 5 रिजल्ट कक्षा 8 रिजल्ट दोनों लिंक है, जिसका भी रिजल्ट चेक करना है उस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड वगैरह कट कर दीजिए और उसके बाद ऊपर या नीचे की तरफ ऐसे स्लाइड करेंगे ना तो ऐड को काटने का ऑप्शन आएगा, ऐड को काट कर नीचे आइएगा। अब आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है, यहाँ पे बहुत सारा डिटेल भी आपको मिल जाएगा जैसा कि देख सकते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट वगैरह एक अनाउंसमेंट हो चुका है जैसा कि देख सकते हैं। कक्षा 8 का भी नहीं आया दोस्तों, आपको क्लियर बता दूँ 1 से 2 दिन वेट करना है उसके बाद आएगा, लेकिन कक्षा 5 का आ गया है लेकिन लिंक नहीं खुल पा रहा, चेक नहीं हो पा रहा, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिंक 1 है ना, तो पहले लिंक 1 पर क्लिक करना है। तो जैसे लिंक 1 पर क्लिक करेंगे तो लिंक 1 यहाँ पर अगर नहीं खुल रहा है तो तुरंत यहाँ पर लिंक 2 पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर कोई ना कोई लिंक ना यहाँ पे तुरंत ओपन हो जाएगा। और आपको बता दें यह प्रॉब्लम मतलब कुछ घंटों से है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि आज यहाँ पे ना 10 बजे के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बैक आएंगे और दोबारा से यहाँ पे लिंक 2 पे क्लिक करेंगे, नहीं खुल रहा है तो लिंक 1 पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है देखने को, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूँ ना कि कुछ टाइम बाद यह लिंक खुलने लगेगी और आप रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर जब आ रहा हूँ तो यहाँ पर लिंक ऐसे आ रही है, एडवांस यहाँ पर आ रहा है, बैक टू सेफ्टी इस तरह से आ रहा है। यदि हम प्रोसेस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करें तो देख सकते हैं रिजल्ट के लिए लिंक यहाँ पे जनरेटेड हो रही है, खुल रही है, अब खुल रही है, देख सकते हैं। देखिए एक बात तो बता दूं आपको, लिंक 2 पर ऐसे क्लिक करिएगा और नीचे यहाँ पे देखिए खुल जा रही है लिंक। अगर ना खुले तो आप ओके प्रोसेस वाले बटन को क्लिक करके जैसे जैसे मैंने आया है क्लिक करिएगा तो यहाँ पर खुल जाएगा, और यहाँ पर आप अपना क्लास लीजिएगा, रोल नंबर भरिएगा, और यहाँ पर अपना ज़िला लीजिएगा कौन से ज़िले से आप हैं, और यहाँ पर कैप्चा भरिएगा जो फोटो में नहीं अभी दिखा रहा, जैसे AAN7, ठीक है, उसके बाद R, ठीक है, उसके बाद Q यहाँ पे फोटो में है, इस तरह से इसको भर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बस यही सारा भर के आपको, और अपना ज़िला ले लीजिएगा जो भी ज़िले से हैं, ये डिटेल दे दीजिएगा और यहाँ पे नीचे सर्च पे क्लिक करेंगे रिजल्ट आपका आ जाएगा, शो हो जाएगा, देख सकते हैं 2024 का लिंक एक्टिवेटेड है, ठीक ना। तो ऐसे आप रिजल्ट वगैरह देख पाएंगे। तो यहाँ पे लिंक 2 वाला वर्क कर रहा है, आपको कंटिन्यू करके आगे जाना होगा तभी आप चेक कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।